नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, अगर 1.5-2 साल पहले चला जाए तो कोई भी पीएसयू स्टॉक को लेकर मार्केट में काफी नेगेटिव व्यू रहता था, क्योंकि अगर उसके पहले 5-6 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो कोई भी पीएसयू कंपनी के स्टॉक में कोई खास रिटर्न नहीं बना, या तो बहुत ज्यादा निगेटिव रिटर्न बना। और जनरली लोगों का ओपिनियन ऐसा रहता था, अगर आप किसी पीएसयू स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं पॉजिटिव रिटर्न, तो दूर की बात आपको लॉस भी बियर करना पड़ सकता है, जो मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखने को भी मिलता था। लेकिन पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो न सिर्फ आपको कुछ स्टॉक ऐसे मिलेंगे जिन्होंने मार्केट को बीट किया है, बल्कि कुछ शेयर्स ने तो 100% या इससे ज्यादा का रिटर्न दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी एक ऐसा ही पीएसयू स्टॉक है जिसने पिछले 1 साल में 90% से ज्यादा का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। जब निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप के मैक्सिमम स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट 0% या निगेटिव रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग करती है, साथ ही सेगमेंट में मेंटेनेंस का भी जॉब करती है। इस स्टॉक ने जो पिछले 1 साल में करीब 90% से ज्यादा का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, क्या ऐसी बात रही जिसकी वजह से इतना अच्छा रिटर्न बना? प्रेजेंट टाइम में इस स्टॉक के प्रोस एंड कॉन्स क्या है? फंडामेंटली ये स्टॉक फिलहाल कैसा नजर आ रहा है? ओवरऑल इसका फ्यूचर आउटलुक क्या बन रहा है? और क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके फ्यूचर में एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग रिटर्न पाया जा सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट के स्कीम पर नजर डाले तो काफी कुछ चीजें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे कंपनी के लिए फेवरेबल है। गवर्नमेंट के कौन से ऐसे स्कीम्स हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे कंपनी को फेवर करने वाले हैं? और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो बजट आपको 3 महीना के बाद आता हुआ दिखेगा, ये पूरे डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल को समझने के लिए कुछ की पॉइंट्स पर नजर डालें। प्रेजेंट टाइम में ये अपने रेवेन्यू का 6 से 7% स्पेंड करती है रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटी में, जो एनुअली होता है, और इसके लिए इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आरएनडी रिजर्व को 10% से 15% कर दिया है, ताकि ये सफिशियंट आरएनडी रिजर्व को बिल्ड कर सके। अगस्त 2022 तक इस कंपनी के पास करीब 85,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और 45,000 करोड़ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो एडवांस स्टेज में है, और उम्मीद किया जा रहा है मार्च 2023 के पहले इसको भी फाइनलाइज कर लिया जाएगा। इस कंपनी के कुछ मेजर एक्टिविटी पर नजर डाले तो पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसने एक एमओयू साइन कर रखा है सेफ्रॉन के साथ, ताकि एज ए ज्वाइंट वेंचर ये डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स और हेलीकॉप्टर इंजन के लिए सपोर्ट को बढ़ा सके। इसने इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ 4 मार्च 2022 को एक एमओयू साइन किया था, जिसके थ्रू ये सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मल्टी मिशन टैंकर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर सके। इन एमओयूज और ज्वाइंट वेंचर के अलावा कुछ और भी डेवलपमेंट पिछले 1.5-2 सालों में देखने को मिले हैं। जैसे इसने जीरो एविया के साथ 9 नवंबर 2021 को कोलाबरेशन किया था, ताकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन को 500 एनएम तक हवा में उड़ाया जा सके। दोस्तों, ये तो रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बिजनेस के बारे में एक ब्रीफ डिटेल, जिसमें हमने देखा कैसे कैसे एमओयू जिस कंपनी ने पिछले 1.5-2 सालों में साइन किया है और ज्वाइंट वेंचर किया है। आगे बढ़ते हुए अगर हम इसके कुछ फाइनेंशियल डेटा पर नजर डालें तो करेंट टाइम में इसका मार्केट कैप 90,933 करोड़ का है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 2719 रुपए है, अपने बुक वैल्यू के कंपैरिजन में 4.5 टाइम ज्यादा चलता हुआ दिखेगा, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक भी इसका मात्र 15.5 है। आरओसी हो या आरओई हो, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये 30.5% और 29.4% है, क्योंकि ये एक पीएसयू कंपनी है और नॉर्मली ऐसा हम देखते हैं वो अपने इन्वेस्टर्स को ठीक ठाक डिविडेंड ऑफर करते हैं, इसलिए इसका भी डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज 1.84% है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अपने Q2 का जो रिजल्ट प्रेजेंट किया था, सेल्स ग्रोथ के मामले में थोड़ा सा कमजोर रहता है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर इसका सेल्स ग्रोथ निगेटिव 7.34% होता है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में काफी अच्छा रहता है, क्योंकि ये 42.56% रहता है। दोस्तों, इस कंपनी के एनुअल पीएनएल स्टेटमेंट पर नजर डालें तो यहाँ पर थोड़ा सा निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि इसका सेल्स पिछले 11 साल में 14,211 करोड़ से बढ़कर मात्र 24,620 करोड़ का होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में आपको 3.5 गुना होता हुआ दिखेगा, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है किसी भी पीएसयू कंपनी के लिए, और ये 1546 करोड़ से बढ़कर 5420 करोड़ हो जाता है। और एचएल के ओपीएम परसेंटेज पर भी नजर डालें तो ये 11% और 5% से बढ़ के फिलहाल 22% और 24% के रेंज में आ चुका है। इसको हम काफी स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, क्योंकि लगातार ये इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है।
नेट प्रॉफिट इसके पिछले 11 साल में 2539 करोड़ से बढ़ के 586 करोड़ तक हो चुका है, जो अपने रेवेन्यू ग्रोथ के कंपेरिजन में काफी अच्छा है। ओवरऑल इस कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस को अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में मात्र 6%, 5 साल और 3 साल में 7% रहता है, जिसमें एक अच्छा खासा जंप आता हुआ दिख रहा है पिछले 1 साल में, और ये 12% तक पहुंच गया है। जैसा कि हमने देखा, इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इसके सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में लगातार इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से ओपीएम परसेंटेज इसका 5-6% से बढ़ के 23-24% तक आ चुका है। उसका रिफ्लेक्शन आपको इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में जो 7% था, 5 साल में बढ़ के 14%, 3 साल में 29% और पिछले 1 साल में सबसे अच्छा 66% हो जाता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो पिछले 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा रिटर्न दिया है, क्योंकि इस पीरियड में इसका एनुअल सीएजीआर 51% और पिछले 1 साल में 93% रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार इसका इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से पिछले 10 साल में जो 21% था, 23-25% होते हुए फाइनली पिछले 1 साल में 29% हो गया है। इसके बैलेंस शीट पर नजर डालें तो ये भी काफी स्ट्रांग नजर आएगा, क्योंकि इसका रिजर्व जो 1218 करोड़ था मार्च 2012 एनुअल रिपोर्ट में, वो सितंबर 2022 में 20517 करोड़ का हो जाता है, और कंपनी के ऊपर जो सबसे ज्यादा कर्ज आपको पिछले 11-12 सालों में मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से देखने को मिलेगा, क्योंकि तब इसके ऊपर 5927 करोड़ का था, ये कम होके फाइनली 2 करोड़ तक आ चुका है, यानी नेग्लेजेबल है। तो ओवरऑल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का परफॉर्मेंस जैसा पिछले 1-1.5-2 सालों में रहा है, उसकी वजह से इसका शॉर्ट एनालिसिस भी काफी इंप्रूव हुआ है, और प्रेजेंट टाइम में ये भी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि करंट टाइम में पॉजिटिव साइड में स्ट्रेंथ 12, अपॉर्चुनिटी 4, टोटल 16 का स्कोर हो रहा है, जबकि निगेटिव साइड में मात्र 2, वीकनेस और थ्रेड 0-2 का ही स्कोर हो रहा है। अगर हम पिछले 1 महीना के डेटा पर नजर डालें किस तरह से लोगों का इंटरेस्ट इस शेयर में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसके लिए अगर हम इसके वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डालें तो थोड़ा सा ये एवरेज या खराब माना जा सकता है, क्योंकि 1 मंथ का डेटा हो, 1 वीक का डेटा हो या स्टरडे का डेटा हो, इस शेयर में डिलीवरी का परसेंटेज लगातार 30 के नीचे बना हुआ है, और पिछले 1 महीना में इसमें सबसे अच्छा डिलीवरी का परसेंटेज 29.31% स्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग रहता है। बाकी 1 वीक का डेटा हो या 1 मंथ का डेटा हो, इस पीरियड में 23% से लेकर 26% के आसपास डिलीवरी रहता है। यानी देखा जाए तो लोगों का इंटरेस्ट इस शेयर में भले ही ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लोगों का ट्रस्ट शायद उतना ज्यादा बिल्ड नहीं हो पा रहा मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के लिए, जिसकी वजह से इस शेयर की क्वांटिटी जो ट्रेड होती है हाई तो रहती है, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज काफी लो बना हुआ है। तो क्या इस शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर बाई करने से अवॉइड करना चाहिए, चाहे शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो? दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसका टेक्निकल डेटा देख लेते हैं, ताकि शॉर्ट टर्म में इस शेयर में कैसा मूवमेंट बन सकता है उसका आइडिया लग जाए, और फिर इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट और फ्यूचर आउटलुक को देखते हुए समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से ये शेयर मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में कैसा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, इसके टेक्निकल डेटा में सबसे पहले अगर हम मूविंग एवरेज पर नजर डालें तो इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस जो 2739-40 रुपये चल रहा है, ये अपने 5 DMA से लेकर 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 1 डे डेटा के अकॉर्डिंग 65.52 है, जो 1 डे ट्रेडिंग सेशन के अकॉर्डिंग बुलिश पैटर्न ही शो कर रहा है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग भी इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी बुलिशनेस शो कर रहा है, क्योंकि ये 72.63 है। 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग जरूर इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी ये बुलिश पैटर्न में बना हुआ है, क्योंकि RSI इस पीरियड में 53.59 है। रिलेटिव स्ट्रेंथ और मूविंग एवरेज के अलावा और 6 ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स रहे जिस पर मैंने नजर डाला, और हर जगह इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा ही नजर आ रहा है, क्योंकि ये बुलिश पैटर्न में बना हुआ है, जो इंडिकेट करता है पिछले 1-1.5-2 सप्ताह में जिस तरह से इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट बना है, आने वाले कुछ और ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू कर सकता है। अगर कोई भी इन्वेस्टर इस शेयर को अगर कंसीडर करना चाहता है मिड टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें तो एकमात्र ऐसा पैरामीटर इंटरेस्टिक वैल्यू देखने को मिलेगा जो रेड जोन में है, बाकी आरओई वर्सेस जेबी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक, ग्रोथ स्कोर 7 ऐसे पैरामीटर है जहां ये शेयर बिल्कुल खरा उतरता है, जिसकी वजह से ये सारे ग्रीन जोन में है। सितंबर 2022 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि प्रोमोटर्स जो गवर्नमेंट होती है उसकी होल्डिंग 75.15 काफी स्ट्रांग तो है ही, इसके अलावा जो मेजर स्टेक होल्डर है उसमें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 7.46%,
अच्छा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यानी DIs की होल्डिंग 6.02% और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग 6.85% है। रिटेल एंड अदर्स जिसमें HNI जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर आते हैं उनकी होल्डिंग 4.53% है। प्रोमोटर्स के अलावा जो सबसे ज्यादा होल्डिंग म्यूचुअल फंड से लेकर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की है, अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स का ग्राफ देखें तो लगातार ये इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, जो कि इस कंपनी और इस शेयर के लिए काफी पॉजिटिव माना जा सकता है। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है, 8 एनलिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 88% एनलिस्ट का मानना है चाहे इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले 1 साल में अच्छा रह सकता है। सबसे पहले इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है नवंबर 2023 तक के लिए, उस पर नजर डालें तो आने वाले 1 साल में ये शेयर करीब 10% के आसपास रिटर्न अपॉर कर सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट इसका थोड़ा सा पुअर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मार्च 2023 तक के लिए जो मीडियम साइज में फोरकास्ट किया गया है मात्र 3% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट जो मार्च 2023 तक के लिए किया गया है एनलिस्ट द्वारा, ये थोड़ा सा पुअर नजर आ रहा है, क्योंकि मीडियम साइड में यहाँ करीब निगेटिव साइड में 15.5% के आसपास ग्रोथ आ सकता है। यहाँ से अगर हम इसके फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो मैं आपको प्रोस एंड कॉन्स के साथ समझाना चाहूंगा, और सबसे पहले कुछ प्रोस की बात कर लेते हैं। दोस्तों अक्रॉस द वर्ल्ड जैसा कि हम देख रहे हैं चाइना प्लस वन का एक मुहिम चला हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया एक बड़ा बेनिफिशियरी नजर आ रहा है, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इस सेक्टर में इंडिया काफी कमजोर रहा है और स्कोप यहाँ पर काफी बड़ा है। दूसरा प्रोस हो सकता है इस कंपनी और इस इंडस्ट्री के लिए आत्मनिर्भर भारत, जो न सिर्फ एक स्लोगन है बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मुहिम है, जिसके तहत वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में जो भी इंडिया कंज्यूम करता है उसका मैक्सिमम हिस्सा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। तीसरा प्रोस हो सकता है इस कंपनी के लिए PLI स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, ताकि इस इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जा सके। चौथा और सबसे बड़ा जो प्रोस हो सकता है इस कंपनी के लिए आने वाले कुछ सालों में, और हो सकता है इसका रिफ्लेक्शन आपको फाइनेंशियल ईयर 2023 के बजट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस यूनियन बजट के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट कैपेक्स इन्हांसमेंट पर फोकस कर सकती है, जहां ये अपने कैपेक्स को करीब 35% से ज्यादा का इंक्रीज कर सकते हैं, और इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं ओवरऑल अगर हम सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के कैपेक्स को कंसीडर करें, ये करीब 10.68 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिख सकता है, जो हमारे GDP का करीब 4.1% होगा। दोस्तों इन प्रोस के अलावा अगर हम कुछ कॉन्स के बारे में बात करें, पहला कॉन्स है क्योंकि ये एक PSU कंपनी है, और अमूमन हम देखते हैं कोई भी PSU कंपनी के रेवेन्यू में बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के भी पास्ट परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो इसके रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के पीरियड में 6 से 7% के रेंज में रहा है, जिसमें हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ आता हुआ तो दिखे, लेकिन शायद ये एक लिमिट के बाहर नहीं जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब भी किसी PSU कंपनी के शेयर प्राइस में एक अच्छा खासा उछाल आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट के बारे में प्लान कर लेती है और अचानक से OFS के थ्रू अपना स्टेक सेल कर देती है, जो मार्केट में एक तरह से डिस्ट्रस्ट लाता है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो पिछले 2.5-3 सालों में गवर्नमेंट ने अपना होल्डिंग करीब 14% के आसपास कम किया है। फाइनली अगर हम यहाँ से बात करें, क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई किया जा सकता है? दोस्तों अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो लगातार पिछले 4-5 क्वार्टर से चाहे DI जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हो या FI जो लगातार अपने स्टेक को बढ़ाया है, जो किसी भी रिटेल निवेशक के लिए हेल्दी साइन है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जब तक किसी शेयर और कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हो जाते उसमें पैसा अपना निवेश नहीं करते। प्रेजेंटली इसका टेक्निकल डेटा पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, इसलिए अगर आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव साइड में इस शेयर को कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए अगर आप इस शेयर को लंबा लेकर खेलना चाहते हैं, मेरा सजेशन रहेगा इसमें वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट ना करते हुए SIP का रास्ता अपनाएं, ताकि यहाँ से अगर कोई भी करेक्शन आए तो आप अपने प्राइस को एवरेज कर सके और फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पा सके। इस वीडियो में इतना ही, ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।